अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकात। डियर व्यूअर्स, मैं शेफ रशीद मिल्की फूड की तरफ से आज अपनी क्लास को टेरामिसो चीज़ केक बनाना सिखा रहा हूँ, और वो एक मुकम्मल केक हम बना के देंगे आपको, जिसमें लेडी फिंगर और टेरामिसो का स्विस रोल और टेरामिसो का पूरा मिक्सर मास्कारपोन चीज़ के साथ, और उसके लिए शुगर सिरप नहीं होगा, कॉफ़ी सिरप होगा जिसे हम त्रिगल भी बोलते हैं ये, और यानी सारा मुकम्मल हम बना के आपको देंगे इंशाल्लाह। तो शेफ उन्हें बता दें, ये तीन फ्रेज के अंदर ये रेसिपी बनेगी, जिसके लिए हमने जो लेडी फिंगर के लिए इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, इसमें हमारे पास एक अंडा पूरा है, उसके अलावा एक योग है हमारे पास, मैदा है, चीनी है, इसके अंदर ही हमने जैंथन गम डाली है और बेकिंग पाउडर है। जैंथन गम क्यों डाली है इसके अंदर, कि जैंथन गम जो है मिक्सचर को अच्छा ठीक रखती है, और जो बेकिंग पाउडर है वो इसके अंदर इसको राइस होने में मदद करेगा। तो लेडी फिंगर इसीलिए अक्सर लोगों की जो फेल हो जाती हैं, तो ये काफ़ी हद तक जो है आपकी रेसिपी को बेहतर तरीके से जो है वो आप प्रेजेंट कर सकेंगे। और यहाँ पर जो है स्विस रोल, जैसे शेफ साहब ने कहा, तो एक बारीक सी जो है इसकी शीट बनेगी, जैसे स्विस रोल हम बनाते हैं, तो उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, यहाँ पे चीनी है, एक योग है, एक वाइट है, दोनों को सेपरेट व्हिप किया जाएगा, मैदा है, लेमन जूस है और लेमन जेस्ट है। ये सभी इंग्रेडिएंट्स आपको जो है रेसिपी कार्ड के अंदर मिल जाएंगे। हमारे पास यहाँ पर जो त्रिगल शेफ साहब ने बताई है, ब्लैक सिरप भी बोलते हैं इसको, इसके लिए चीनी है, पानी है और कॉफ़ी है, तो इसकी भी रेसिपी जो है आपको रेसिपी कार्ड में मिल जाएगी। साथ ही सिनेमन की स्टिक्स हैं, और ये भी हम इसके अंदर यूज़ करने वाले हैं। संडे की आज हमारी क्लास है, यहाँ पे लाइव स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो इंशाल्लाह आज हम जो है वो तिरामिसो बनाना शुरू कर रहे हैं। शेफ साहब बताइए सबसे पहले क्या करते हैं। सबसे पहले इसको ले लें, आप चूल्हा जलाएं, ठीक हो गया, और त्रिगल शुरू करें, और मैं इस तरफ स्विस रोल शुरू कर देता हूं। बिस्मिल्लाह। इस स्विस रोल के लिए हमें अंडे की जर्दी और सफ़ेदी अलग अलग व्हिप करनी है। अच्छा, ये शुगर तकरीबन आधी शुगर इसमें ले लेंगे हम, और आधी शुगर अंडे की सफ़ेदी में। वहाँ एक वाइट डाल दिए, और यहाँ एक योग, और शुगर हाफ हाफ। इस मेथड के अंदर हमें मैक्सिमम वेरिएशन मिलती है किसी भी केक के अंदर, जब आप जो है एक योग और एक वाइट को अलग अलग व्हिप करते हैं। इसमें कोई बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा वगैरह की आपको ज़रूरत नहीं होती, बहुत अच्छे से वॉल्यूम आ जाता है केक का। ये हमारा त्रिगल या कॉफ़ी सिरप ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसमें पानी डालेंगे, पानी डालना है बहुत तरीके से। पानी मैंने जग में ले लिया, इसलिए कि इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूंगा, और ये धुआं इसका जो हो रहा है, स्मोक जो हो रही है इसकी, वो मैं एग्जॉस्ट फैन नहीं चला रहा हूँ, इसलिए कि आपको पूरा इसका नज़र आए कि क्या इसमें पोजीशन होगी। अब आपने पानी डालना है, बिल्कुल थोड़ा सा करके पीछे हाथ कर लेना, आपने पीछे हाथ कर लें, ठीक है, इस तरह से। ये अब पूरा पानी इसमें डाल दें, ओके जी। अब इसका धुआं वगैरह ख़त्म, जो भी स्मोक है, और ये सनमैन की जो ये हमारे पास लकड़ी है, ये भी डाल देंगे, और कॉफ़ी भी डाल देंगे इसमें।
अब ये जब उबाली खा जाएगा पूरी पक जाएगा तो हम इसको इस्तेमाल में लेंगे। और इतनी देर में ये भी रेडी हो चुका है साहब, स्विस रोल रेडी हो गया, तो ले आए सफ़ेदी वाला भी ले आए जी। व्यूअर्स ये भी तैयार हो चुका है, स्विस रोल रेडी कर लेते हैं। ये इसमें दो लेमन का जूस है, हम एक लेमन का जूस इसमें डालेंगे और एक का लेडी फिंगर के लिए बचा कर रखेंगे। और ये लेमन का छिलका ये भी हम आधा लेडी फिंगर में और आधा स्विस रोल में डालेंगे। जी नाज़रीन, ये हमारा अंडे की जर्दी का मिक्सर हो गया और ये सफ़ेदी का, हम इन दोनों को मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसमें मैदा वगैरह डाल के स्विस रोल पकाएंगे। इसको इस तरह से मिक्स कर लें दोनों को। ये मिक्स हो चुका है, ये मैदा और लेमन जेस्ट आधा डालें, मिलाया हुआ है आधा डालें ना, ये आधा मैदा डाल के इसको मिक्स करें और बाकी का भी डाल लें। के लिए हमने ट्रे तैयार करके रखी हुई है। बारह बाई पंद्रह इंच की ट्रे के अंदर सिलपेट लगाई है शेफ साहब ने और ये मिक्सर शेफ साहब इसमें डाल रहे हैं। आप देख रहे हैं कितना अच्छा फ्लफी है ये मिक्सर, क्योंकि इसके अंदर इन्होंने दोनों को अलग अलग व्हिप करा है, एक वाइट और एक योक को, मैक्सिमम वेरिएशन मिलती है सना। इसको बेकिंग से पहले जो है इसके ऊपर आइसिंग शुगर डस्ट कर देंगे। जी अब हम इसको ओवन में 250 सेंटी पे पकाएंगे और ये 6-7 मिनट में निकल आएगा। जी व्यूअर्स, ये हमारा त्रिगल या कॉफ़ी सिरप वो भी रेडी हो गया, इसको एक उबाला दिलवाना था हमने वो दिलवा लिया, अब इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, इतनी देर में हम अब लेडी फिंगर इसको निपटा देते हैं। जी व्यूअर, स्विस रोल हमने ओवन में रख दिया है और अब हम लेडी फिंगर बना लेते हैं ताकि ये भी साथ ही रेडी हो जाएं और उसके बाद हम केक शुरू करें। इसमें हम जर्दी और ये अंडा जो कामल है ये इसमें ले लेंगे। और शुगर जब मिक्सर अच्छे वॉल्यूम पर आ गया तो फिर शेफ साहब ने जो है इसके अंदर लेमन जूस डाल दिया है। जी व्यूअर, रेडी हो गया ये। जी
जी व्यूअर्स, अब इसमें हम मैदा मिक्स कर लेंगे। डाल दो सॉल्ट। इन सब चीज़ों की क्वांटिटी आपको रेसिपी कार्ड में मिल जाएगी। जी ये इसकी मिक्सिंग हो गई। ये बैटर भी देख लें आप, काफी थिक है। ये राउंड टिप नोजल लिया हमने, जितना बड़ा आप नोजल लेंगे उतना बड़ा जो है ये लेडी फिंगर पाइप होगी। अब ओवन चला दूं? चला दें आप ओवन। कितने डिग्री पे? 160 160 की डिग्री पर पकाएंगे हम उसको। अब जहाँ शेफ साहब जो है वो कास्टर शुगर के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं ताकि ये अच्छा इसकी डेकोरेशन हो जाती है। अगर थोड़ा मोटी चीनी इस पे इस्तेमाल करें तो अच्छा है, वो दिखने में अच्छी लगती है। और ये इसकी डिकोर है। अच्छा, इसको हम ओवन में रख देते हैं और स्विस रोल हमारा रेडी हो चुका होगा। ये रखें शेफ उनायत और स्विस रोल ले आए। जी 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 व्यूअर्स, स्विस रोल भी पक गया, रेडी हो गया। अब हमें इंतज़ार है लेडीज़ फिंगर का, लेकिन लेडीज़ फिंगर पकते रहेंगे उधर, वो एक बिस्किट है एक हिसाब का, तो हम इसका काम शुरू कर देते हैं केक का। ये बेटा ये बॉल में डाल दें सिरप। सिरप केक के लिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। 9 इंच का जो है वो रिंग लिया है शेफ साहब ने, जो हमने चीनी इसके ऊपर डाली थी वो कैरामलाइज हो गई है। चीनी भी डालने का मकसद यही था कि जब तक स्पंज बनेगा तब तक वो जो शुगर हमने डाली थी वो कैरामलाइज हो जाए। अच्छा शेफ साहब, इसका जो जायका है वो थोड़ा बिटर होना चाहिए। जी, जो चीनी की कड़वाहट होती है वो इसमें होनी ज़रूरी है। ज़रूरी, इसीलिए हमने वहाँ पे भी चीनी को जला लिया था, ब्लैक सिरप बनाया। बहुत अच्छा फ्लेवर है इसका। अब इसके लिए चीज़ मिक्सचर की हम तैयारी कर लें। जी जी बिल्कुल ठीक हो गया। आप ले आए चीज़ें पूरी, अब इसको कंप्लीट करते हैं हम। ये मैंने जेलेटिन मास तैयार किया है। 50 ग्राम जेलेटिन के अंदर 200 ग्राम पानी डाल दिया है मैंने, क्योंकि जेलेटिन का जो है वो ये समझ लें कि 4 हिस्से जो है पानी होता है और 1 हिस्सा जो है वो जेलेटिन होता है, तो ये जेलेटिन मास तैयार हो जाता है। ठीक है, ठंडे पानी के अंदर जेलेटिन डालकर हमने इसको मिक्स कर दिया। अब जैसे ही ये पानी को सोख कर लेगा तो मैं इसको माइक्रोवेव करूँगा और फिर अपनी रेसिपी में यूज़ कर लूँगा। अगर किसी रेसिपी में जेलेटिन मास लिखा हुआ है 25 ग्राम, तो यानी कि आपको लेना है 5 ग्राम जेलेटिन पाउडर और 20 ग्राम लेना है पानी। उन दोनों को आपस में मिला देना है और ये जेलेटिन मास तैयार हो जाता है। अगर आपके पास है जेलेटिन शीट मौजूद है और आपको जेलेटिन के साथ यानी कि जेलेटिन पाउडर के साथ उसको रिप्लेस करना है, या फिर जेलेटिन पाउडर है और आप शीट के साथ रिप्लेस करना चाह रहे हैं, तो 3 ग्राम जेलेटिन पाउडर के मुताबिक होती है एक जेलेटिन शीट, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी रेसिपी को बना सकते हैं। जेलेटिन शीट जो है वो हाई ग्रेड जेलेटिन होता है, उसमें स्मेल वगैरह नहीं होती, ऑर्डर लेस होता है, तो वो आप बहुत अच्छे से जो है अपनी रेसिपीज में यूज़ कर सकते हैं। ये इसको माइक्रोवेव में डाल दूँगा। अब ये देख लीजिए रेडी हो गया, ये इसको मैं माइक्रोवेव कर लेता हूँ। हाँ,
जी नाजरीन, अब हम मिक्सर बनाएंगे टेरामिसो का, जिसके लिए क्रीम और मास्कारपोनी चीज़ है हमारे पास और क्रीम चीज़ स्प्रेड है, ये दोनों ही यूज़ होंगे इसके अंदर। शेफ साहब ने थोड़ी सी जो है, हाँ, सबसे पहले क्रीम को व्हिप कर लेंगे हम अच्छी तरह। क्रीम चीज़ का मिक्सर बनेगा, इसके लिए क्रीम को थोड़ा लाइट व्हिप करेंगे। लेकिन यहाँ क्या होगा कि हम क्योंकि इसके अंदर ये सिरप डालने वाले हैं, तो इसके साथ भी जो है इसकी विस्कोसिटी काफ़ी थिन होगी, क्रीम को थिन कर देगा ये। तो हो सकता है शेफ साहब थोड़ा हार्ड क्रीम को उतारें और बाद में वो क्रीम जो है मिक्सिंग के बाद नरम हो जाए, ऐसे ही शेफ साहब? इसमें हम पेस्ट्री के लिए जो है एक मोल्ड भर चुके हैं चकोर स्क्वायर में, उसके ऊपर हमें डिजाइनिंग बनानी है, वो थोड़ी हार्ड किस्म की क्रीम उसके ऊपर लगानी है, वो लगाने के बाद हम मिक्सर बाकी इसमें डालें, फिर बाकी चीज़ें डालेंगे तो वो खुद ही थिन हो जाएगा। जी जी, जी व्यूअर्स, लेडी फिंगर्स भी रेडी हो गई हमारी और ये मैं अभी पीछे रख देता हूँ। ये क्रीम भी हमने ओवर व्हिप कर ली है, इसमें से थोड़ी क्रीम मैं अलग निकाल लूँगा और ये जो तिरामिसू का एक स्क्वायर केक बनाया है शेफ साहब ने, इसकी ये पेस्ट्रीज बनाएंगे, ऐसे ही शेफ साहब? और इस पर कुछ डिज़ाइनिंग करने के लिए हमें थोड़ी हार्ड व्हिप क्रीम चाहिए, जिसके अंदर शेफ साहब काफ़ी है इतनी क्रीम और नॉट, जिसमें त्रिकट डालेंगे शेफ साहब और फिर उसके साथ जो इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करेंगे। चलो बहुत है, मैं हैंड विक्स ले लेता हूँ। थोड़ी देर इसको हल्के हाथ से मिक्स करना पड़ेगा। ये देखिए शेफ साहब ने एक जो है वो केक कॉम लिया है बड़े साइज़ का और उसके साथ इसके ऊपर जो डिज़ाइनिंग करेंगे। ये फ्रीज़र में डालें इसको। ये नाज़रीन, अब हम ये इसको तैयार कर लेते हैं। ये शेफ़ साहब ने मास्कारपोनी चीज़ और जो क्रीम चीज़ स्प्रेड था दोनों को आपस में मिला दिया है, अच्छे से मिक्स कर लें, दाना ना हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए फिर इसके अंदर हम जेलेटिन डाल देंगे। इसमें शुगर सिरप या कॉफी सिरप कह लें आप इसको। अच्छा जी, अपने जायके के मुताबिक आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
जी नाजरीन, मैं अभी मास्क जेलाटिन इसमें डाल देता हूँ, ये पूरा मिक्स हो जाएगा तो फिर इसका केक हम भर के रखेंगे डीप फ्रीजर में। ये रेडी हो गया। अच्छा, इसी मिक्सर के अंदर शेफ साहब चॉकलेट डालेंगे तो ये मूस बन जाएगा, और क्रीम चीज़ डालेंगे तो फिर ये चीज़ का मिक्सर बन जाएगा। जी नाज़रीन, ये देखें, ये टेक्सचर हो गया इसका। जी व्यूवर्स, इसको हमें इसी सिरप से सोक करना है। नीचे वाला जो पैंदा था वो मैंने सोक कर लिया अच्छी तरह से। इन सब को जो जो हम इसमें डालते जाएंगे उनको अच्छी तरह से सोक कर लें। और बीच वाली लेयर के अंदर जो है आप कट पीस वगैरह भी रख सकते हैं टॉप पर, और जो है बॉटम पर आपको जो क्लियर इसके लिए एक बेस चाहिए होगी। इसको मूस से बराबर कर लें और डीप फ्रीजर में रखें। इसका टाइम जो है कम से कम 6 घंटे इसको डीप फ्रीजर में रहना चाहिए, फिर उसके बाद इसको निकाल के इसकी डिकोर करें। ये वही क्रीम है जो हमने थोड़े टाइम पहले बनाई थी और केक की डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ की थी, जो एक स्क्वायर केक था। तो शेफ़ साहब जो है ये चीज़ तिरामिसू चीज़ केक जो हमने राउंड रखा हुआ था फ्रीज़र में पहले से, उसके ऊपर फ्रॉस्टिंग कर रहे हैं बहुत हल्की सी, यानी कि इसको सिर्फ जो है वो एक गोल शेप दे रहे हैं। इससे आगे देखते हैं शेफ़ साहब क्या करते हैं। शेफ साहब ने जो है पाइपिंग बेग को ही राउंड कट कर लिया है, और उसकी मदद से ये शेल टाइप का जो है वो ड्रॉप बना रहे हैं।
जी व्यूअर्स, मैंने ये क्रीम से डिज़ाइन इसके ऊपर बना दी है। आप अपनी मर्ज़ी से जैसा चाहें आप इसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो इसके बाद इसके ऊपर हम छिड़केंगे कोका पाउडर। व्यूअर्स आप देख सकते हैं, एक तरफ से शेफ साहब ने जो इसके अंदर कोको पाउडर डाल दिया है और दूसरी तरफ से जो है ये बिल्कुल क्लीन है। अब ये इसके हम बिस्किट लगा देंगे साइड में। जो लेडी फिंगर हमने तैयार करे थे वो हम लगा रहे हैं। शेफ साहब, ये केक से थोड़े ऊंचे ही होते हैं। बराबर रख लें, ऊंचे थोड़ा अच्छे लगते हैं। बहुत प्यारा लग रहा है केक और बड़ा ही यूनिक टेस्ट है इसका। ये मराइन कुकीज़ के साथ शेफ साहब जो डेकोरेशन कर रहे व्यूअर्स, हमारे पास ये जो कट पीस बचे हुए हैं इनका भी हम करेंगे। ये इनके लिए हम कप बना देंगे, कुछ गिलास बनाएंगे, ये इन चीज़ों में इस्तेमाल हो जाएगा। और उसके अलावा बहुत सारी शक्लें बन सकती हैं, यानी आप अपनी मर्ज़ी से कोई किसी किस्म की भी शक्ल आप बना सकते हैं डेकोरेशन में। अब यहाँ हम जो है डिज़र्ट कप बना रहे हैं तिरामिसु से, जो कट पीस से उनको बेस में लगा रहे हैं। शेफ साहब, सिरप चाहिए होगा आपको? जी व्यूअर, ये जो टिरामिसु की पेस्ट्री है वो भी हम साथ ही कर लेते हैं, काट देते हैं। ये अच्छी तरह से कोका पाउडर हमने इसके ऊपर डस्ट कर दिया है और अब इसकी हम करेंगे कटिंग।
जी व्यूअर्स, माशाल्लाह हमारा आज का तिरामिसू केक जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है और शेफ़ साहब ने जो है आपको कप भी बनाना सिखा दिए हैं, साथ ही जो है पेस्ट्रीज भी बनाई हैं। देखने में बहुत अच्छी लुक है इसकी और जायका इसका बहुत ही अच्छा है। जो बैक कैमरा हमने एक कप तैयार कर लिए थे, इसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। जो हमारे पास कट पीस थे हमने वो रखे, इसके ऊपर सिरप डाला और क्रीम डालने के बाद हमने इसकी डेकोरेशन कर दी है। सिंपल सा काम था और जो भी चीज़ हमने इसके अंदर इस्तेमाल करी है सब आपको बेक हाउस से मिल जाएंगी। बेक हाउस पे ऑर्डर प्लेस करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं जो कि है bakehouse.pk, या स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर भी आप व्हाट्सएप पे ऑर्डर प्लेस करके चीज़ें मंगवा सकते हैं घर बैठे पूरे पाकिस्तान से। शेफ साहब आगे बताइए आप। जी व्यूअर्स, आज की क्लास हमारी मुकम्मल हो गई है जो कि टेरामिसो के हवाले से थी। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई भी रेसिपीज लेके हम फिर दोबारा हाज़िर होंगे, जिसमें ज़्यादातर डिमांड आ रही है मरेंग की, तो देखेंगे इंशाल्लाह हो सकता है मरेंग की ही रखें हम क्लास। तो आप लोगों को कैसा लगा बेटे? हाँ जी तो जी और ये ओरिजिनल है टेरामिसो ना, ये टेरामिसो चीज़ केक ओरिजिनल जो दुनिया के अंदर बनता है वो है। ठीक है जी, अब तब तक हमें इजाज़त दीजिए जब तक हम नई वीडियो लेके आएंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।